ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਰੋਪਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ यात्रियों के लिए जो सुविधा है उसमें इजाफा होता रहे। इस वर्ष आपने देखा होगा कि हमारे इतनी ज्यादा बारिश के बावजूद हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया कि सड़कें खुली रहे, अधिक समय के लिए सड़कें बंद न हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर आ सकें। एक बात हेलीपैड की आई है, हेलीपैड के संबंध में अभी मुझे जो बताया गया है, क्योंकि ये सारे बड़े इको सेंसिटिव इलाके हैं, यहाँ पे जो भी हम कार्य करते हैं उसमें इस पर्यावरण का संरक्षण उसे हमें ध्यान में रखना होता है। इसी क्रम में एक स्टडी कराने की बात आई थी, जिसके क्रम में एक साइंटिस्ट इसके स्टडी करके अपनी रिपोर्ट देंगे, और उस रिपोर्ट में जो उपाय बताए जाएंगे उन्हीं उपायों के अनुरूप फिर हम जो वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें हमें अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, वो हम अनुमति लेने के बाद फिर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो घांगरिया से हेमकुंड साहब का रोपवे है, हम उसके साथ साथ गोविंद घाट से भी घांगरिया तक रोपवे के लिए हम सर्वे वगैरह करेंगे, और करने के बाद फिर उसको यहाँ पे स्थापित करेंगे।